मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी अलवर द्वारा जेल चौराहा स्थित महावार ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा थे। इस दौरान वन पर्यावरण एवं अलवर जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में मंत्री गजेंद्र खींवसर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को प्रबुद्ध जनों के बीच रखा। आदरणीय मोदी जी की स्कीम है, जिसको कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, और 10 जो स्कीमें हैं हमारे राज्य सरकार, यदि हम इनको जोड़ लें तो 20 स्कीमें ऐसी हैं जो बहुत प्रभावशाली है। इतनी प्रभावशाली स्कीमों के होते हुए आज हमारी जो सबसे भारी कमी रही है वो ये रही है कि हम जनता के बीच में जाकर उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए। अभी जब लगभग 115-120 दिन रह गए हैं आचार संहिता लगने तक, चुनाव का बिगुल बज चुका है, और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी विधानसभा में मैं 2 महीने बाद जनता के बीच में पैम्फलेट पहुंचाऊंगा, हर पंचायत में पैम्फलेट पहुंचाऊंगा कि भाई देखो पिछले 5 साल के अंदर इतने करोड़ रुपए आपकी पंचायत में खर्च हुआ है। मेरा पूरा ग्रामीण क्षेत्र, मेरी कोई नगर पालिका नहीं लगती, इसलिए मैं पंचायतों का नाम ले आता हूँ। इस दौरान महेश शर्मा ने कहा कि आखिर प्रबुद्ध जन सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो बात कहनी है वो आम सभाओं में भी कही जा सकती है, लेकिन प्रबुद्ध जन एक ऐसा सम्मान्य वर्ग है जिनके बीच में अपनी बात को सहजता से समझाया जा सकता है। आम सभा बुलानी चाहिए, ये अलग से प्रबुद्ध जन की क्या जरूरत है? जो कहना हो आम सभा में कहो, प्रबुद्धों को क्या कहना है? लेकिन जब प्रबुद्ध जनों को अलग से बुलाया है तो कोई बात है, और वो बात यह है कि शायद कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको आम आदमी कहते हैं वो जल्दी से समझ नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। उसको ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार का बौद्धिक स्तर चाहिए, उसको ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार के इंटेलेक्ट चाहिए, और वह बात यदि कन्वे करनी हो, वह बात यदि लोगों को बतानी हो, तो उनको अलग से ही बुलाना पड़ेगा, और इसलिए पार्टी ने इस बार फैसला किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आए महेश शर्मा ने मोदी सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को आम जन के बीच रखा। साथ ही उन्होंने इस मौके पर कश्मीर समस्या पर कहा कि यह समस्या इसलिए पैदा हुई कि हमने मजहब के नाम पर विभाजन स्वीकार किया। कश्मीर समस्या इसलिए पैदा हुई कि हमने भारत का मजहब के नाम पर विभाजन स्वीकार किया, और सुलझ लिए नहीं रही कि आज भी हम स्वीकार करते हैं कि भारत का समाज मजहब के नाम पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक है, आज ही मान लिया। और यदि मजहब के नाम पर पृथकताएं हैं, मजहब के नाम पर पृथकताएं हैं, तो पृथकतावाद क्यों नहीं पनपेगा? और पृथकतावाद पनपेगा तो पृथकतावाद को पनपाने वालों का लेजिटिमेट राइट है कि वो पृथकतावाद पनपाए, क्योंकि हम तो बहुलवादी हैं। यदि पृथकतावाद का नाश हो गया तो बहुलतावाद का क्या होगा? यदि पृथकतावाद का नाश हो गया, मजहबवाद का नाश हो गया, जातिवाद का नाश हो गया, क्षेत्रवाद का नाश हो गया, भाषावाद का नाश हो गया, तो भारत की बहुलता का क्या होगा? उधर इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर अखिल शुक्ला, विधायक जयराम जाटव, कार्यक्रम संयोजक के जी खंडेलवाल, सभापति अशोक खन्ना, यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, जिला महामंत्री संजय नरुका, देवेंद्र यादव, भिवाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष संदीप यादव आदि मौजूद रहे। वहीं मंच संचालन डॉक्टर अशोक पाठक और दीपक पंडित ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 सालों का जो केंद्र सरकार हुई और राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की सरकार है, इनमें बहुत सारे देश के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विकास में
उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाओं बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को महसूस किया कि समाज में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लोगों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, उनके विकास कार्यों में वो लोग जुटे रहते हैं। ऐसे सब लोगों के साथ इस सम्मेलन के माध्यम से संवाद करके उनके बीच में जाकर उनके विचारों को जानकर हम देश के विकास को, राष्ट्र के निर्माण को एक जो नई दिशा और जो नई गति दे सकें, और जो राष्ट्र में कमियां हैं या राष्ट्र में के निर्माण में हमारे आसपास जो कमियां हमें नजर आती हैं उस संवाद के माध्यम से उनसे जानकर हम देश को सशक्त और एक विकासशील राष्ट्र के निर्माण में उनकी सहभागिता के साथ हम देश को सशक्त बना सकें।